जी नमस्कार जी। क्यों आप सो रहे थे उस टाइम जब फोन आया? फोन जेब में नहीं डाल सकते? जल्दी किसे कहते हैं? ऑफिस का टाइम है, मान के चला करो, ड्यूटी पे हो फिर वो तो है। से क्या मतलब है, हर बार मैं इसी टोन में बात करूं आपसे तो जरूरी है। चलो फिर जो चाहे कर लो, मर्जी आपकी, जरूरत नहीं है कॉल करने की ऐश को। जी बेटे। सर ए ए एक्सपेंडेड फॉर्म एक्चुअली क्या है? फॉर्मूला आपको जहन में रखना है, ठीक है? फॉर्मूला अगर आप जहन में रखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, अभी बुला रहा हूँ, 5 मिनट बैठ जाओ, अभी नहीं जाना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हमारे पास है। तो अब आपके पास पहले तो टर्म्स देखो, सब में शायद टर्म्स यही आ रहे होंगे, 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर, पहला वाला टर्म 16a स्क्वायर है सब में, 3b का स्क्वायर, स्क्वायर सारे पॉजिटिव आने, तो सारों में स्क्वायर पॉजिटिव dA होंगे। अगर पहले में ही कहीं गलती कर दे तो वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, फिर हम कहेंगे ये वाला तो हो ही नहीं सकता। तो सारे ऑप्शंस में अगर आप चेक करोगे, उसमें पहले सारे टर्म्स 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी कि 16a स्क्वायर 9b स्क्वायर 4c स्क्वायर दिया हुआ है, तो वो तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब बात आती है 2ab की, तो 2 4 जा 8 3 जा 24ab, तो सब में 24ab भी दिया हुआ है, ठीक है? अब 24ab जिसमें नहीं होगा वो तो ऑप्शन ही नहीं होगा। मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर आगे किसी क्वेश्चन में मिल जाए, यहाँ तो वैसे ही कर लेंगे। तो 24ab हमारे पास पहले वाले में है, दूसरे वाले में है, तीसरे वाले में है, चौथे वाले में 24ab नहीं है। तो अगर ये नहीं है तो डी ऑप्शन तो काट ही दीजिए, ये हमारा नहीं होगा, ठीक है? फिर हमारे पास आना है 2bc, तो बी हमारा 3 है और सी हमारा 2 है, तो 2 3 6 2 12 12bc, तो 12bc हमारे सेकंड वाले में है, थर्ड वाले में है, सेकंड फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, ठीक है? तो तीनों में है 12bc। फिर आना है 2ca, तो 2 2 4 4 4 16 16ac सब में। तो इसका मतलब अगर टर्म्स के हिसाब से देखें तो ए बी सी तीनों ऑप्शन हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब बचता क्या है, आपको देखना है माइनस कौन सा टर्म हो रहा है। तो हमारे पास क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे 3b भी माइनस का है और 2c भी माइनस का है, तो हमने आपसे कहा था कि जो टर्म माइनस हो जाए उसकी वजह से वो टर्म्स माइनस हो जाती हैं। जैसे अगर हमने आपसे यहाँ नीचे कह दूं मैं कि अगर मैं b को माइनस कर दूं तो जहां जहां b आ रहा होगा वो वाली टर्म्स माइनस हो जाएंगी, लेकिन जब दो टर्म्स माइनस होती हैं तो फिर उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या हो जाएगा, जहां a आ रहा होगा वो माइनस हो जाएगा, ठीक है? a b के साथ आएगा तो माइनस, a c के साथ आएगा तो माइनस, और b और c दोनों आएंगे तो प्लस। अब बताओ a वाली टर्म माइनस में है या नहीं, यानी कि b c तो प्लस की होनी चाहिए और a b और a c माइनस की होनी चाहिए, तो वो कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। उल्टा हो जाता है, जो प्लस का है ना वो वाला माइनस होगा। सब कुछ समझ में आ गया? यस सर। हमारा ऑप्शन है ए, और जरा इसे ध्यान से देख लो, मैं अभी कुछ और भी लिखने वाला हूँ। एक ऑप्शन और हो सकता है इसमें, ये वाला क्वेश्चन जो है मैं नीचे ही लिख देता हूँ फॉर्मूले में, फॉर्मूले से आपको समझ में आएगा। ए ए माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब ए बी को लेंगे तो माइनस हो जाएगा, बी सी को लेंगे तो प्लस हो जाएगा,
ए सी को लेंगे तो माइनस हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना इस चीज का, ये भी पॉसिबल है, आप इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लो। तो अगर इस पूरे में से माइनस कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो ये आएगा हमारे पास ऐसे। तो अगर आपके पास ऐसे होता माइनस ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तब भी ये रिजल्ट आना था, और ए माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर आना है तब भी ये रिजल्ट आना। तो ये चीज ध्यान रखना, यानी कि ये उसी तरह से काम कर रहा है जैसे ए हमारा नेगेटिव हो गया। अगर कभी आपको ऑप्शंस में मिल जाए तो इस तरह से भी ध्यान रखना है कि हो a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दोनों सेम। सब क्लियर है? यस सर। नीचे वाले का आंसर बताओ, नीचे वाले का आंसर बताओ, वैल्यूएट सर बी 998 का क्यूब, डी ऑप्शन है सर, 998 का क्यूब। डी ऑप्शन सर। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 998 है, 1000 माइनस 2 हो जाएगा, है ना। यहां एक चीज ध्यान रखनी है आपको, कुछ चीजों को बस थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे भी लेते हैं। एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास है 998 का क्यूब, तो जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अक्सर देख लिया करो कि यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट है। तो यूनिट प्लेस पे है 8, तो अगर 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 8 8 जा 64, 64 इंटू 2, तो यूनिट प्लेस पे 2 आना है। इस तरह से अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट किया करो कि भाई यूनिट प्लेस पे 2 आना है। अगर यूनिट प्लेस पे 2 आना है तो पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता और तीसरा वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ये वाली बात समझ में आ गई सबको या नहीं आई? आ गई सर। ठीक है, तो इस तरह की कैलकुलेशन भी जहन में रखा करो। ये 2 तो गए, तो बचा कौन सा, बी और डी। अब उसमें सोचेंगे क्या हो सकता है, मे बी पॉसिबल। तो हमारे पास क्या आएगा, थाउजेंड माइनस 2 का क्यूब, तो क्या होता है भाई, ए का क्यूब। ठीक है सर, बी का क्यूब, फिर क्या होगा। अब आप चाहें तो 3ab भी कर सकते हैं या 3a का स्क्वायर b भी कर सकते हैं। यस, तो जैसे भी आप कैलकुलेट कर सकें, फिर आपसे कैलकुलेट a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैं ठीक हूँ जी। आयशा जी बताइए आप। ना देने का क्या मतलब है, देना उसमें।